तेरी आंख में पानी, आए तेरी आंख में पानी, काहे बंद है तेरी वाणी, आए बंद है तेरी वाणी, बन जा तू झांसी की रानी, बन जा तू झांसी की रानी, याद दिला दे उनको नानी, याद दिला दे उनको नानी, जिनकी वजह से आंख में पानी, जिनकी काम है, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो एयर बैग नहीं खुलते,
मेरे बच्चा तो कह रहा था पापा तो एक एक बड़ी गाड़ी की जरूरत ही क्या है। मैं क्यों वो तो आप एक्सीडेंट हो जाओ तो पेड़ को साथ रखो बच्चों की हालत तो क्या चलती है। तो अपने को पेट पेट नहीं फंसता बेटे जब गाड़ी रोल होती है टक्कर लगती है तो वो क्या पलटी खाती है तो अपना हाथ गया तो हाथ टूटेगा गर्दन गई गर्दन टूटेगा। बोलो आप बच्चों के लिए अगर सीट बेल्ट होगी तो कितना भी रोल हो जाओ बचने की संभावना ज्यादा हो जाती है और एयर ब्रेक भी हो जाती है भैया को अवेयरनेस ही नहीं होती। अच्छा देखो एक और उदाहरण देता हूँ हेलमेट अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो आपका सर क्या होगा जैसे फास्ट में आप लोगों के ब्रेक में आपका सर लगेगा शीशे में लो मैं आ गया हम तो मेडल आ जाते ना थोक
जो अगरबत्ती लगाए, तो अगरबत्ती नहीं लगानी है, अगरबत्ती अपनी फोटो पे भी नहीं लगनी चाहिए, अगरबत्ती पूजा में लगनी चाहिए। कोई हवन करो कुछ करो तो करो, किसकी इच्छा हो तो लगाओ नहीं मत लगाओ, लेकिन आराम से सेफ रहो हमेशा, है ना। बच्चियों को फिर मैं बता रहा हूँ, कोई पास मांग विश्व करते तेल चलाते हो, बहुत तेज हॉर्न लगा लेते हैं, ट्रक का हॉर्न पॉइंट, बच्ची को गिराने की कोशिश करते हैं, थोड़ा मजबूत होना चाहिए बच्ची को, है ना भाई। एक बात बताऊं, जो अगर ऐसा करता है उसको रोक के भाई से पूछना, रखना उसे एक बात पूछना, अगर मेरी जगह आपकी बहन होती तब भी भैया ऐसे ही बजाते लाइन चल, और अगर फिर भी आप बजाते तो हमारे यहाँ हनुमान जी संजीवनी बूंदी लेके पहुंचे, ठीक है। ऐसे की शिकायत जरूर करा करो, कह दो सब कह दो।